कैसी लगी भाई? एक नंबर। सो हेलो गाइस, भाई आज है डे टू और कल तो सीलिंग का काम निपटा नहीं था, तो आज देखते हैं भाई। आज भाई आ गए, दो तीन दिन से छुट्टी पे थे सब लोग, तो आज कर रहे हैं लास्ट काम बचा है सिर्फ इसका, कवर्ड का, कि कवर्ड करनी है इसे। अब इसका काम दिखाऊंगा मैं, काम पहले करने दो ना, फिर काम दिखाऊंगा। काम दे हैं, काम पूरा हो जाए फिर उसके बाद पता लगेगा फिनिशिंग का, जो भी पूछे कि कैसे फिनिशिंग आ रही है, क्योंकि भाई डैडी आए हुए थे तो डैडी ने इसका भाई का नाम रख दिया इंजीनियर। जेब में से हाथ नहीं निकाल रहा था ये अपने। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आज ये काम अपना निपटा देंगे। हाँ जी, कटिंग सेटिंग चल रही है? कौन सा बोर्ड है? जिप्सन बोर्ड। जी। कितने बोर्ड आते हैं इसमें? मैं बताओ भाई। एक ही बोर्ड आता है, छह चार का लड़ रहे। पहले काटा है कभी जिप्सन बोर्ड? काटा है तो भाई अब ये जिप्सन बोर्ड वगैरह कटिंग कर रहे हैं भाई लोग, क्योंकि लाइट भाग गई तो इस वजह से पहले कटिंग कर दी है ना, इतना लाइट भाग गई ना। हाँ तो लाइट भाग गई गाइस, काम रुक गया भी लाइट के भागने पे, लेकिन ये है कि काम यहाँ पे अभी चल रहा है अपना, और अब जो है काम फिनिशिंग से हो रहा है पहले से ज़्यादा। बाकी मुझे लगे इसमें भी इन्होंने एक मिस्टेक कर दी, अभी देखते हैं। इसे व्लॉग बनाने का बहुत शौक है नगेरा भाई, कंटिन्यू रखो है, कंटिन्यू रखो, इसे इतना शौक है व्लॉग बनाने का, बहुत शौक चल रहा भाई को। इसकी फेवरेट बाइक है, कौन सी फेवरेट बाइक है तेरी? जी ये वाली जी निंजा जी भाई, Z900 इसकी फेवरेट बाइक है, कह रहा कि भाई मेरी ये फेवरेट बाइक है। मैंने कहा चल बढ़िया बात है भाई, मैंने तो उसे कहा भाई चला ले, नहीं कह रहा बस चलने गया नहीं मेरे पे, चला लियो चलेगी, चला लेगा, चल ठीक है काम कर ले फिर चलाइयो अपना आराम से, ठीक है भाई। लाइट आ जाए, लाइट के इंतजार कर रहे हैं गाइस। उम्मीद तो ये है कि आज अपना काम निबट जाएगा, सीलिंग विलिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी और मैं फ्री हो जाऊंगा, क्योंकि बहुत दिन से इसी काम में लग रहा हूँ, जब से सीलिंग टूटी है अपनी, तो ये काम जल्दी से जल्दी मैं चाहता हूँ भाई, जल्दी से जल्दी निबट जाए, मैं फ्री हो जाऊँ। फ्री होने के बाद ही जरूर अपना घूमने के लिए जाऊंगा, क्योंकि मैं ना एक काम में ना, अगर एक काम में फंस जाता हूँ ना मैं, और उसमें टाइम लग जाता है, तो भाई मैं मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि मुझे तो ये है कि मुझे काम कर लूँगा, काम के साथ साथ मुझे घूमना चाहिए ही चाहिए, तो अभी इस काम की वजह से मैं फंस गया हूँ, तो ये काम निमट जाए, ये काम निमटने के बाद फिर अपना कहीं बाहर जाने का प्लान बनाएंगे। और कल नैयर अंकल भी मुझे कुछ आइडियाज़ दे रहे थे कि ये कुछ आइडियाज़ हैं, आ जाएंगे, आज बात करते हैं नैयर अंकल से कि क्या आइडिया है उनके। बाकी आज शेविंग वगैरह करवा ली, बाल बाल मैंने कटवा लिए, आप लोगों ने देख लिया होगा, तो भाई इतने दिन से बाल लंबे हो रखे थे मेरे, अभी मैंने अपना शेव वगैरह करवाई, बाल बाल कटवाए, फिर जाके मैं ब्लॉग स्टार्ट किया था दूसरे दिन का, तो अभी ये भाई लोग आज काम निपटा देंगे, आज तो निमट जाएगा भाई। हाँ तो आज तो काम निमट जाएगा अपना ये, बाकी फिर लाइटिंग वाइटिंग का काम रह जाएगा, वो तो खैर इतना बड़ा इशू नहीं है लाइटिंग का, वो भी हो ही जाएगा, बाकी हो जाए जल्दी। ओ भाई मोटरसाइकिल बाद में देख लियो, राजीव रे फाइनली गाइस अपना काम पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये तो भाई सीलिंग पूरी हो गई और लाइटिंग वाइटिंग सब बढ़िया लगी। हाँ भाई कैसे लग रही? एकदम मजा आ गया? नहीं आ गया तो गाइस मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो दूर से ये कुछ ऐसा, अभी शीशा गंदा हो रहा, अभी सिर्फ सफाई वगैरह आ गई, बाकी सीलिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी और अब ये पेंट वेंट होगा और थोड़ा सा इसकी फिनिशिंग होगी साइड वाइड वाली, तो यही अभी थोड़ा सा रह गया भाई। कल तो ऐसा हुआ था पूरे दिन लेबर ने ना बेवकूफ़ बना के रखा था भाई,
सही में। लेकिन फाइनली आज अपना काम डन हो चुका और भाई मैं फ्री हो गया, क्योंकि मैं इतने दिन से इसी काम में उलझा हुआ था। मैंने कहा जल्दी जल्दी काम हो जाए अपना और मैं फ्री हो जाऊं। तो भाई अब मेरी टेंशन ख़त्म हो गई और डैडी आ जाएंगे, अब भाई डैडी करवाएंगे। अब डैडी का काम रह गया, मेरा काम हो गया ख़त्म, काम ख़त्म। तो भाई मुझे खुशी हो रही, भाई मेरी टेंशन दूर हो गई। बाकी गाइस इसका लुक देखो, लुक बहुत बढ़िया आ रहा है, अब देखो बढ़िया लुक आ रहा है ना। बाकी अभी थोड़ा सा काम रह रहा है, ये अपना पूरा फिनिश करवा के करवा लेंगे अपना। इसकी फिनिशिंग होगी ना जब देखना आप इसका, जब कुछ अलग ही मजा आएगा। एसी वेसी लग जाएगा और कुछ मैंने इसके लिए सोच रखा है, वो अभी बाद में दिखाऊंगा आप लोगों को। अभी नहीं दिखाता क्योंकि है कुछ चीज़, वो बाद में ही दिखाऊंगा, अभी नहीं दिखाऊंगा, जब लग जाएगा जब और मज़ा आएगा। बाकी आज शेविंग वेविंग करवा ली थी, आपने देख लिया था, और भाई टेंशन फ्री, मैं टेंशन फ्री हो गया। फैशल भाई भी भाई परेशान हो रखे थे, फैशल भाई भी इधर उधर लगे हुए थे काम वाम में, तो भाई आज फ्री हो गए हम। अब जाऊंगा घर और आराम करूंगा और फिर कल का प्लान सोचेंगे जैसा भी कुछ होगा। उसे रास्ते से है कोसा देख करना, समझ गए? राष्ट्रीय सह लिखा हुआ ना तुम्हें मरीज में, तैसे राष्ट्रीय सह को साथ देख कर दो, ठीक है? भी मैं आया हूँ भैया के पास, ये मिलो जी भैया जी से। तो भाई अभी एक डिजाइन बनवा रहा हूँ, ठीक है? तो देखते हैं भाई बैठ के डिजाइन बना रहा, अभी सीलिंग का हमारा डिजाइन चल रहा है, अब कुछ देखते हैं उस पर किस हिसाब का अच्छा लगेगा। बाकी मैं अपनी तरफ से तो पूरा कर रहा हूँ, बाकी अभी अंदाजा जब होगा तब ये बन जाएगा। हम इसे रफली एक बार लगा के देखेंगे तो उसी से पता लगेगा कि हमें कैसा लग रहा है कैसा नहीं। और फिर भाई हाँ, उसके बाद डैडी आ चुके, मैं ये बहुत बताना भूल गया था आप लोगों से। अब मैं फ्री हो गया हूँ क्योंकि कल मेरा काम पूरा कंप्लीट हो चुका, भाई टेंशन फ्री हो गया। भाई इतने दिन से भाई मैं इसमें लगा हुआ था ना, वो मेरे जो मेरे काम थे वो मैं कर नहीं पा रहा था। भाई लोग देख रहे हैं बहुत प्यार से, वो मैं कर नहीं पा रहा था, लेकिन फाइनली काम डन हो चुका और अब मैं फ्री हो गया हूँ। मैं अपना ये काम निपटा के, मेरा एक डेढ़ घंटे का काम है, ठीक है, ये काम निपटा के फिर उसके बाद जाऊँगा मैं एक दोस्त के साथ अपने, क्योंकि उसे ज़रूरी काम है। और एक सैड न्यूज़ है वो अभी नहीं बताऊँगा आपको, अभी गाड़ी में जाता हूँ तब बताता हूँ। वैसे मैं बताना नहीं चाहता सैड न्यूज़ आपको कोई, लेकिन क्या करें, जो लाइफ से जुड़ा हुआ होता है वो बताना पड़ता है आप सबको। तो ठीक है, मिलते हैं गाड़ी में आपको। तो गाइस अब अपनी सिर्फ और सिर्फ ये पेंटिंग्स वगैरह रह गई है लगानी, ये पेंटिंग्स लगाएंगे, टीवी वगैरह लगाएंगे, ये लाइटें वाइटें पड़ी हुई हैं यहाँ पे ऑफिस के जितनी भी हैं, और ये इसी भी देखते हैं सही होगा वैसे तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है इसी। तो बस यही सब चीज़ें रह गई हैं अपनी लगाने के लिए। और मैं ये कह रहा था आपको कि मुझे कुछ बताना था आप लोगों को, कुछ सैड था, सैड ये था एक्चुअली मेरा कज़न ब्रदर है, तो भाई उसके पापा की है तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस है, वो हैं हॉस्पिटल में और मैं भी उसी के पास आया था, और मुझे मतलब बहुत बुरा सा भी लग रहा था यार कि अब क्या कर सकते हैं, एज ज़्यादा हो गई है उनकी और अभी एडमिट है वो। और मैं दो तीन बार गया उसके पास, भाई के पास, और उसे देखने के बाद भाई मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था। मैंने कहा यार भाई पापा तो पापा होते हैं, फादर फादर होता है, किसी के भी हों, तो बहुत दुख में था बेचारा। तो उसके साथ मेरा व्लॉग बनाने का भी बिल्कुल मन नहीं था कि मैं व्लॉग बनाऊँ, ना मैंने व्लॉग बनाया वहाँ पर। मैंने कहा नहीं यार यहाँ पे मैं व्लॉग नहीं बनाऊँगा बिल्कुल भी। बाकी मुझे दुख इतना है क्योंकि वो जो भाई है मेरा, वो मेरे से मतलब जितने भी हम सारे कज़न ब्रदर वगैरह जितने भी हैं, तो उनमें से सबसे ज़्यादा अटैच मैं उसी के साथ रहता हूँ, वो मेरी बात बहुत ज़्यादा मानता है जो मैं कहता हूँ। तो इस वजह से मुझे दुख है कि उसके पापा, भाई उम्मीद तो यही है, बस दुआ करूँगा ऊपर वाले से कि भाई किसी के भी माँ बाप के साथ ऐसा ना हो, और कि हर किसी के माँ बाप भाई खुश रहें और तंदुरुस्ती रहे उनकी, अपना बढ़िया रहें, फिट रहें, क्योंकि अगर माँ बाप फिट हैं तो भाई सब चीज़ बढ़िया है, भले ही आपकी चाहे कुछ भी बात होती रहे अपने माँ बाप से, लेकिन दिल में रखना चाहिए अपने जो भी कुछ है, किसी को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने दिल में रखो। बाकी मुझे दुख बहुत हुआ और मैं दुआ ही करूँगा भाई अल्लाह पाक से कि भाई उसके पापा जल्दी सही हो जाएं और जल्दी सही हो के जल्दी घर आ जाएं उसके भाई के पास, ताकि भाई उसकी फैमिली भी खुश रहे, और बस यही कहना चाहूँगा। बाकी दुख तो होता ही यार, बाप बाप होता है, मुझे क्या दुख जितना दुख उसे हो रहा होगा,
लेकिन उम्मीद करते हैं भाई जल्दी सही हो जाए वो, ठीक है। बाकी गाइज मैं अभी ऑफिस पे आ गया था और थोड़ी बहुत मुझे एडिटिंग करनी है अपने व्लॉग की, तो मैं एडिटिंग करूँगा। उसके बाद का कोई सीन है मुझे नहीं पता, मैंने आपको दिखा दिया ऑफिस मेरा बढ़िया हो चुका है। बाकी ये व्लॉग मैं यहीं के यहीं कंटिन्यू कर रहा हूँ, व्लॉग एंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप देख रहे होंगे उसमें मैंने जैकेट पहनी हुई थी, इसमें मैंने टी शर्ट पहनी हुई थी, क्योंकि वो कल का व्लॉग था और ये आज का व्लॉग है। तो मैं इसी व्लॉग में अटैच कर दूंगा इसे और यहीं के यहीं कंटिन्यू करूंगा इस व्लॉग को। अब देखते हैं ये आगे कंटिन्यू करूंगा या यहीं पर एंड करूंगा, अभी कुछ नहीं पता, अभी जैसा भी आप लोग देख लेना। बाकी मिलते हैं अभी थोड़ी देर पे। अपनी बाइक दिखा दूँ आपको पूरी, वो देखो चमक रही है, बहुत दिन बाद निकालना इसे मैंने। तो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूँ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।